नमस्कार, भारत 24 न्यूज में आपका स्वागत है। खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से। सिकंदरपुर बिलथरा रोड मार्ग के धोबा स्थित शहीद बाबा के मजार के समीप फिटनेस फर्स्ट लेडीज एंड जेंट्स मल्टी फिटनेस जिम का उद्घाटन शुक्रवार को मुख्य अतिथि प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने फीता काट कर किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान सपा के विधायक मोहम्मद जियाउद्दीन रिजवी के पिछले उस बयान, जिसमें उन्होंने उन्हें बबुआ कहा था कि जो एक कांस्टेबल का तबादला नहीं करा सकता वो राजनीति क्या करेगा, उक्त बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि सपा के नेता रिजवी का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है जो इस तरह की बातें करते हैं। भाजपा के सभी लोग भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भारत विकास के पथ पर अग्रसर है, जबकि समाजवादी पार्टी के नेता थानों की दलाली ही करते हैं, उन्हें विकास से कुछ लेना देना नहीं है। उन्होंने नौजवानों से अपील किया कि देश के विकास में आप नौजवानों की बहुत जरूरत है। आधुनिक सुविधाओं से लैस मल्टी जिम में पुरुषों एवं महिलाओं के लिए भी अलग से व्यवस्था की गई है। अब महिलाएं भी शरीर को फिट रखने के लिए जिम कर सकेंगी। देखे पूरी रिपोर्ट। डॉक्टर, एक सवाल करना चाहेंगे कि क्षेत्र के जो विधायक हैं वो आपको बबुआ तक कह रहे हैं। देखिए, ये बड़ी दुख की बात है कि जब जब नौजवान आगे बढ़ता है तो समाजवादी पार्टी के नेताओं को और हमारे यहाँ के सिकंदरपुर के जो विधायक हैं रिजवी साहब, उनको बड़ी तकलीफ होती है। आज हमारे भारत जो है पूरे विश्व का सबसे युवा देश है और हमारे युवाओं के हाथ में वो क्षमता है कि अपने समाज का नेतृत्व करते हुए समाज को उत्थान और तरक्की पे ले जाएं। एक साधारण परिवार से अगर एक नौजवान आगे बढ़ रहा है तो इस बात से समाजवादी पार्टी के नेताओं को चिंतित होने की जरूरत नहीं है। आज हम अपने समाज को शिक्षित कर सशक्त कर आगे ले जाने के लिए पूरी तरीके से दृढ़ संकल्पित हैं। समाजवादी पार्टी को ये बात बहुत बुरी लगती है कि समाज कैसे आगे बढ़ रहा है। समाजवादी पार्टी को ये बात बहुत अखरती है कि कैसे नौजवान आगे बढ़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी को इस बात से तकलीफ पहुंचती है कि कैसे उत्तर प्रदेश का और सिकंदरपुर का अल्पसंख्यक समाज विकास की तरफ आगे बढ़ रहा है। लेकिन तमाम ऐसे समाजवादी पार्टी के नेता लोगों को और खासतौर पर रिजवी साहब को मैं बताना चाहूँगा कि उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आज नौजवान शिक्षित है, सशक्त है और सक्षम है और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने आपके ही जिले के इस बेटे दानिश आजाद अंसारी को समाज की सेवा करने के लिए, अल्पसंख्यक समाज के उत्थान के लिए और नौजवानों को सशक्त करने के लिए जो मौका दिया है, मैं पूरी ईमानदारी से उस समाज की सेवा करूंगा। सर, उनका कहना है कि पार्टी में जो है दानिश आजाद जो है वो सो पीस की तरह है और वो एक कांस्टेबल का भी तबादला नहीं करा सकते हैं, इसमें क्या? इससे उनकी सोच जाहिर होती है कि समाजवादी पार्टी के नेता केवल थानों की दलाली पे ही डिपेंड रहते हैं। अगर उनको समाज की चिंता होती तो दानिश आजाद अंसारी से सवाल पूछते कि नौजवानों की शिक्षा के लिए उन्होंने क्या किया, नौजवानों के रोजगार के लिए उन्होंने क्या किया, सिकंदरपुर की जो गुलाब की खेती थी उसके विकास के लिए दानिश आजाद अंसारी ने क्या किया। लेकिन वो सवाल नहीं पूछेंगे ये, क्योंकि वो जानते हैं कि दानिश आजाद अंसारी पूरी ईमानदारी से अपने सिकंदरपुर को, अपने बलिया को सशक्त करने के लिए आगे बढ़ रहा है। आने वाले दिनों में अभी देखिए, इस नौजवान के हाथों में रोजगार आया है, इस बात से भी उनको पीड़ा होगी। समाजवादी पार्टी नहीं चाहती कि समाज आगे बढ़े, लेकिन आज समाजवादी पार्टी के असलियत को जान चुका है। समाजवादी पार्टी के नेताओं का और खास तौर पे रिजवी साहब का चेहरा बेनकाब हो चुका है। सब जानते हैं कि ये समाज विरोधी है, अल्पसंख्यक विरोधी है और युवा विरोधी है। और हमने सिकंदरपुर के विकास के लिए जिलाधिकारी को निर्देशित किया था। मैं आपके माध्यम से बता दूं कि यहाँ पहले जो गुलाब के फूल की खेती होती थी और गुलाब जल बनता था, केवड़ा बनता था, जिससे सिकंदरपुर का उद्योग जुड़ा हुआ था, मैंने जिलाधिकारी को निर्देशित किया था। बीते महीने जिलाधिकारी यहाँ पे आई हैं और कई सारे ऐसे उद्योग के लोग जो इससे जुड़े थे वो उन्होंने उनसे भेंट की है और हम इस गुलाब के व्यापार को भी, उद्योग को भी आगे बढ़ाएंगे आने वाले दिनों में। सिकंदरपुर में आखिरी सवाल आप बलिया से सुन लीजिए, आने वाले दिनों में सिकंदरपुर के नौजवानों को और मजबूत करने के लिए हम यहाँ पे विशेष रोजगार मेले का आयोजन भी करेंगे, जहाँ देश और विदेश की बड़ी बड़ी कंपनियां इस सिकंदरपुर में आके यहाँ के नौजवानों को रोजगार देने का काम करेंगी। पहली बार ऐसा होगा जब कोई सरकार पूरी संजीदगी से विधानसभा स्तर पे विधानसभा को तरक्की की तरफ आगे ले जाने के लिए काम कर रही है। हमारी योगी सरकार सक्षम है। सवाल की, चूंकि आप बलिया से हैं, बलिया में पूर्व में खेल विद्यालय का स्थापना किया गया, इसकी अभी तक वो अचालू नहीं हो पाया, जिससे युवा जो है वो अपेक्षित महसूस कर रहे हैं, तो इसके लिए आप कब आवाज उठाएंगे? हम लगातार शासन स्तर पे जो भी बेहतर हो सकता है उस दिशा में काम कर रहे हैं। बलिया की जो जो जरूरतें हैं, बलिया के युवाओं की जो जो आवाज है, बलिया के आम जनमानस की जो जो जरूरतें हैं, हम उन तमाम जरूरतों को पूरी संजीदगी से समझते हुए उसको पूरा करेंगे।
हमें बलिया को विकास की तरफ आगे ले जाने के लिए पूरी गंभीरता और ईमानदारी से काम करेंगे।